हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सो गाइस, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं मूसा आबिदी साहब को, दरअसल इनसे कुछ जुड़ी बातें हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि मैं यूट्यूब ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था जस्ट, तो मेरे सामने एक स्टेटस आ गया था, जैसे शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं ना यूट्यूब पे, तो मैंने ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा इनकी एक वीडियो छोटी सी आई थी, जिसमें एक टुकड़ा, मतलब एक है ना क्लिप आती है, छोटी सी क्लिप थी इस वीडियो की। मुझे इतनी अटैच लगी कि मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो किस तरह से अपनी बात कहें, तो वो इस वीडियो में हमें ज़ाहिर पूरी चीज़ें देखने को मिलेगी। मैंने कहा कि इसे स्किप करता हूँ अभी और इनकी ओरिजिनल वीडियो पर जाहिर है, अब मुझे देखनी, पूरी बातें देखनी थी, हमने सोचा कि इस चीज़ को शेयर करता, तो आज मैं लेकर आ गया हूँ, मैं अली अकबर हूँ। सो स्टार्ट करेंगे वीडियो को बिना वक्त को ज़ाया करते हुए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। सो लेट्स सी, बहुत खूबसूरत लगी थी यार वो एक लाइन, बाकी लाइन में देखो क्या बातें होती हैं आगे, वो तो अब आगे पता चलने वाला है। रजा आबिदी, पोएट लिखने वाले मुस्तफा, अच्छा पोएट लिखने वाले मुस्तफा मासूम। अले अकबर, बस फील करना। 61 हिजरी की बात है जब रोजे आशूरा मैदान जंगे करबला में अली अकबर अलैहिस्सलाम ने गैस में डूब कर ये रजिस पढ़ा। मैं अली अकबर हूँ, जान ले मुझको जमाना, मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ। सुह मैदान वगा जब अली अकबर आए, शोर बरपा हुआ लड़ने को गजम्फर आए, थी किसी की सदा फातह खैबर आए, शिम्र कहने लगा हम शक्ल पयंबर आए, गैस में डूब के आया गजरी मैदान में, गुल पड़ा मुझको जमाना, मैं अली अकबर हूँ। फिर कहा फौज से लड़ने के लिए आ जाए, पिसरे सादिक को जाकर ये कोई बतलाए, मुझ पाए हुए खैमे में ना यूं शर्माए, आके मर्दान की मैदान में जरा दिखलाए, हम भी देखेंगे कि तलवार में कितना दम है, नाम का मर्द है या वाकई तूर सितम है, मुझको जमाना, मैं अली अकबर हूँ। है लकब शेर खुदा जिसका मेरा दादा है, जिसकी तलवार का दुनिया में बड़ा चर्चा है, जिसने हर जंग में कुफार का सर काटा है, हर लड़ाई का फकत जिनके ही सर सहरा है, उसी हैदर के पिसर का मैं पिसर अकबर हूँ, आज इस जंग के मैदान का मैं गदर हूँ।
के घराने को नहीं जानते हो। मैं मोहम्मद की जवानी हूँ न पहचानते हो, फिर भी ये जान के तुम लड़ने चले आते हो। क्या कभी खौफ खुदा से नहीं घबराते हो? भूखा हूँ प्यासा हूँ, भूखा हूँ प्यासा हूँ, पाजोर आली रखता हूँ, एक ही बार में सर तक से उड़ा सकता हूँ, से उड़ा सकता हूँ। मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ, जान ले मुझको ज़माना, मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ। से अली की ना लड़ाई देखी, काश आपस को लड़ने की इजाजत मिलती, फिर हर एक सर पे जो शमशीर अली लहराती, मौत से पहले अजल तुमको बगल में लेती, तुमसे आपस का बदला भी मुझे लेना है, उम्र साद का बाजू भी खलम करना है, खलम करना है। मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ, जान ले मुझको ज़माना, मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ। को कहीं कमजोर समझ रखा है, खुल के बतलाओ कि तुम लोगों का क्या मंशा है, तुम समझते हो कि जहरा का पिसर तन्हा है, क्या नहीं जानते सरवर का पिसर जिंदा है, शेर भूखा भी हो, शेर भूखा भी हो कमजोर नहीं पड़ता है, अपने पंजे में वो दुश्मन को जकड़ सकता है, मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ, जान ले मुझको ज़माना, मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ। किसके कहने पे चले आए हो लड़ने के लिए, आए हो शक्ल पैगंबर को मिटाने के लिए, खून शबीर को मख्तल में बहाने के लिए, आया हूँ तुमसे बस एक बात ये कहने के लिए, पिसरे साद की हस्ती को मिटा डालूंगा, आज जो कह दिया वो करके दिखा डालूंगा, मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ, जान ले मुझको ज़माना, मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ। किसे बैत का तलबगार है क्या समझा है, कौन शबीर है माबूद से रिश्ता क्या है, क्या कभी गौर किया किस तहाजा क्या है, क्या समझ कर हमें तू जंग से ललकारा है, जीते जी जो मेरे बाबा की तरफ देखेगा, फिर ना मैदान से वो घर की तरफ लौटेगा, की तरफ लौटेगा। मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ, जान ले मुझको ज़माना, मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ। अपनी तेदाद से हरगिज न डराओ हमको, कब्जे में रख न तलवार दिखाओ हमको, कौन है सूरमा ये लड़के बताओ हमको, जंग करने को हम आए हैं मिटाओ हमको, कहते
किसे कहते हो मछली से पानी में बहा डालोगे, आग से कहते हो के आग लगा डालोगे, आग लगा डालोगे, जब तलक तेग न मुड़ जाए मुझे लड़ना है, आज आपस के हिस्से की भी जंग करना है, खेमे में लेटा है जो उसका भरम रखना है, जंग करते हुए बाबा पे फिदा होना है, आज इस्लाम की तारीख नहीं लिखूंगा, सर कटा दूंगा या फिर तुमको मिटा डालूंगा, मुझको जमाना मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ, भूख और प्यास की शिद्दत में कहाँ तक लड़ता, खा के सीने पे सिना मोस भी घोड़े से गिरा, जानता था कि अकेला है पिसर जहरा का, इसलिए बाबा को अपने वो सलाम अर्ज किया, आइए बाबा के हम खुलते बारी जाते हैं, हमको लेने के लिए शेर खुदा आते हैं, कुछ कहना है आप लोगों को प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा है उन्होंने क्या फील किया इसे सुनकर। बा खुदा कह रहा हूं मास्टरपीस, मुझे लगती है ये वीडियो थी मास्टरपीस, अब तक मैंने नहीं सुना था मौला अली अकबर के बारे में जो कि हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे, इनके बारे में कोई मनकबत या नोहा ऐसा कुछ, मतलब उनके खास खसूस उनसे कोई खुतबात ऐसे हो तो ये जो पोएट है ना ऐसा मतलब लगता है कि मौला अली अकबर खुद बयान कर रहे हैं इस बात को और ये काफिरों को बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्यों मजबूर हूँ, मतलब हर चीज़ उन्होंने पिरोई हुई थी इसमें। और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की जो अपने चाचा जान थे वो उनकी भी जो एक मजलुमाना उनको कत्ल किया गया था तो उनकी भी वो कह रहे हैं कि मैं उसका भी बदला लूँगा, मतलब अल्लाह अकबर, मतलब जो इसका एक ट्यून था ना बहुत सादगी थी, बहुत खूबसूरत था, इतनी सादगी दिख रही थी कि मतलब आप सोचे ना कि जब वो मैं बीच बीच में मुझे इतना गूज़बम्प आ रहा था, बार बार मुझे गूज़बम्प आ रहा था गाइस, मतलब वो एक वर्ड आ रहा था कि मैं अली अकबर हूँ, मैं अली अकबर हूँ, बा खुदा कह रहा हूँ, कौन मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना मतलब दर्दनाक था ये, दर्दनाक क्या मतलब यार हर चीज़ समेटी हुई थी इसमें, हर चीज़ समेटी हुई थी, मतलब गम से लेकर एक रुआब तक, और एक कहते हैं ना कि दिखाव मतलब दिखाना कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्यों नहीं कर सकता, वो हर चीज़ इसमें बताया। ओफ मूसा आबिदी साहब बहुत खूबसूरत पढ़ा है वाकई, बहुत खूबसूरत, जो कि पोएट लिखने वाले थे उनका नाम था एक सेकेंड उस्ताद मोहम्मद स्पेशल थैंक्स रज़ा आबिदी साहब जो है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इनका क्या है, उस्ताद मोहतरम क्या लिखा है, जो स्पेशल थैंक्स इनको कहा गया है रज़ा आबिदी साहब को, ये कौन है इनके बारे में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और अगेन जो है जो इस पोएट्री को लिखा है जिन्होंने मुस्तफ़ा मुसवी साहब ने लिखा है, आउटस्टैंडिंग है और वाह खुदा कह रहा हूँ। देखें लिखना मैंने बहुत पहले कहा था कि
लिखना लिखता तो हर कोई है, लेकिन उसको पढ़ना भी एक बहुत बड़ा कमाल होता है। वो जो कि मूसा आबिदी साहब ने पढ़ के दिखाया, उनकी आवाज़ में वो रुबाब दिख रहा था गाइस, इतना मतलब अट्रैक्टिव लग रही थी वो चीज़ कि सुन के मतलब मैं एकदम जैसा लग रहा है तरोताज़ा हो चुका हूँ। मतलब मैं रोजे की हालत में हूँ, बाखुदा कह रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं तरोताज़ा हो गया हूँ इसे सुनकर। मतलब एक हरारत आ जाती है भाई साहब, जो भी है। हालांकि देखा जाए कि इस इंडस्ट्री में, नोहा खा में, मनकबत में बहुत से लोग हैं, हर कोई अपना एक मकाम रखता है। माशाल्लाह, मैं किसी को बीट नहीं कर रहा किसी से कि वो अच्छे हैं या वो बुरे हैं। बुरे तो कभी नहीं है, मैं ऐसे निकल गया एक वर्ड। तो जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि मूसा आबिदी साहब उन्हीं में से एक शुमार हैं, जो एक हिला देने वाली बात थी ना यार। जहाँ तक मैं देखता हूँ नदीम सरवर साहब की जो वीडियोस होती हैं, उनकी जो कलाम होते हैं, उनके जो मनकबत होते हैं, उनके जो नोहे होते हैं, जो पोइट होती है ना, जस्ट उस आवाज़ को जब रिलेट करते हो आप उस पोइट से, तो वो फील जो आती है ना, बिल्कुल वही चीज़ मिसम आबिदी साहब में मुझे आज फील हुई है। फर्स्ट वीडियोस मैंने इनकी देखी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मतलब क्या कहूँ मैं, नो वर्ड्स, नो वर्ड्स है, आउटस्टैंडिंग है, अनबिलीवेबल है वाकई। सो गाइस, बहुत खूबसूरत वीडियोस थी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आज से पहले या मेरे से पहले आपने कभी इस वीडियो को वॉच किया था या नहीं किया था, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो न्यू देखे हो, और आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगना है यार, उसमें तो हर एक बात ही जो एक है मिसाल है, लामकाम है, तो आउटस्टैंडिंग है, बहुत खूबसूरत लगी मुझे हर एक पल, हर एक मोमेंट पे, हर एक वर्स पे। मुझे मतलब मेरी कैफियत बदल रही थी, मुझे गूज बम, मतलब गूज बम इतना आ रहा था। और मुझे नहीं होता है, वाइब्रेट आती है बॉडी में अगर आप कोई ऐसी चीज़ अटैच करते हो माइंड से, दिल से, अपनी सोल से, तो वो कैसा एक अचानक से एक वाइब्रेट होती है बॉडी। वो एक चीज़ फील हुई मुझे, हर जगह फील हो रही थी जब जब उसके बारे में, मौलाना अकबर के बारे में जब वो बता रहे थे, जैसे एक मुखातिब थे उन काफिरों से कि मतलब मैं क्या, मैं अली अकबर हूँ, मैं जो भी उसमें बातें कर रहे थे, आउटस्टैंडिंग थी गाइस। मुझे बहुत खूबसूरत लगी, बहुत खूबसूरत लगी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर इनकी, और अच्छा हाँ एक गाइस, इनकी ओरिजिनल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे, प्लीज़ आप जाके इनकी ओरिजिनल लिंक को, ओरिजिनल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत खूबसूरत है, इनको आप सपोर्ट देखें। सपोर्ट एक ऐसी एक कहता हूँ कि मैं एक जरिया होता है कि इंसान जब सपोर्ट करता है ना, तो एक हिम्मत आती है लोगों में। और मुझे लगता है कि यार बस ऐसे लोगों को सपोर्ट करो ताकि इनकी और आवाज़ आगे जाए माशाल्लाह। और बहुत खूबसूरत मुझे लगा यार, आउटस्टैंडिंग लगता है। मैं जब किसी से कनेक्ट हो जाता हूँ ना यार, तो पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है कि वो जितनी जल्दी हो सके ना उभर आए। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है। प्लीज़ जाके ओरिजिनल चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा इनके, और वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, इनके वीडियो को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको लगे अच्छा तो वो भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को भी। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।